हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर सर्कल। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें चेकआउट करेंगे व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी स्टडीड। जब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 की बात करेंगे जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो होगा हमारा टैंजेंट थ्योरम और होगा टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। याद रखना, मैंने आपको बोला है थ्योरम की एक अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सारे थ्योरम्स को कवर करेंगे। स्पेशली वो थ्योरम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में, वो सबसे पहले कवर होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टैंजेंट थ्योरम और टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। चलिए, तो जब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 पे आएंगे, लेकिन 3.1 में मैंने आपको क्या बोला, हमें दो चीज़ें चेकआउट करनी है। सबसे फर्स्ट हमें चेकआउट करना है टैंजेंट थ्योरम, तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देख भाई, टैंजेंट थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखो, एक सर्कल होगा, सर्कल में अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर ऐसे टच करे, मतलब सपोज इधर टच किया है, तो अगर ये एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है तो ऐसे लाइन को मैं क्या बोलूंगा भाई, तो बोलूंगा टैंजेंट। क्या बोलूंगा? टैंजेंट, बराबर। अब यहाँ पर सर्कल का अपना कुछ एक सेंटर होता है, अगर मैंने ये सेंटर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है टैंजेंट पर, तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब क्या कि ये जो ब्लू वाला लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, तो रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस जो है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ये आपको हमेशा याद रखना। और अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ का जो एंगल होगा, दैट एंगल विल बी 90 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आए। तो जहाँ पर भी आपको ये पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेडियस दिख रहा है और यहाँ पर एक आपको टैंजेंट दिख रहा है, और अगर आपने 90 डिग्री लिखा है, तो आपको जो रीज़न लिखना है, दैट इज़ योर टैंजेंट थ्योरम का रीज़न आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि टैंजेंट थ्योरम क्या होता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न में अगर आपको बताऊँ तो ये होता है टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसके ऊपर बोलते हैं ना, थ्योरम का प्रूफ मैं लेकर बहुत जल्दी आऊँगा, बट फिलहाल के लिए आप स्टेटमेंट समझ के चलिए। वो टैंजेंट थ्योरम था, इसमें आ गया एक नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज़ अ टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब इसके लिए सबसे पहले तो एक सर्कल होगा, बराबर। सर्कल का एक सेंटर रहता है, यहाँ पर कितना, वहाँ पर कितना टैंजेंट था, एक। और यहाँ पर हम कितने टैंजेंट की बात करेंगे, हम दो टैंजेंट की बात करेंगे। तो सपोज यहाँ से एक टैंजेंट है और सपोज यहाँ से एक टैंजेंट है, तो ये जो दोनों टैंजेंट रहेंगे, ये दोनों टैंजेंट आपस में क्या रहेंगे भाई, तो इक्वल रहेंगे। तो सपोज इसका नाम मैंने यहाँ पर नाम दिया है पी ए और ये हमारा है बी, तो इसका मतलब टू टैंजेंट्स, यहाँ पर दो टैंजेंट कौन से, तो टैंजेंट पी ए इज इक्वल टू ए बी, आपको ऐसे लिखना है। और इसका रीज़न आपको क्या लिखना है, बाय टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम दिस टू टैंजेंट्स विल बी इक्वल। तो ये दोनों कंसेप्ट की ज़रूरत हमें लगेगी प्रैक्टिस सेट 3.1 में। इसका प्रूफ, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम का प्रूफ बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जब हम प्रैक्टिस सेट 3.1 के साथ स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या बोला, देखो सबसे पहले तो तुम्हें एक सर्कल दिया है, सर्कल में यहाँ पर टैंजेंट कौन होगा, तो ये जो नीचे वाला लाइन दिख रहा है, दिस इज़ योर टैंजेंट। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दैट इज़ ये सी ए वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। अब जैसे ही आप ये पॉइंट को ज्वाइन करते हो, तो ये रेडियस हो गया और ये टैंजेंट, और रेडियस और टैंजेंट हमेशा कौन सा एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या पूछा, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, तो सी ए बी का मेजर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपने सोल्यूशन लिखा, तो सोल्यूशन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है लाइन ए बी इज अ टैंजेंट, लाइन ए बी इज अ टैंजेंट। टैंजेंट किसको है भाई, तो सर्कल को, टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वो मीट कर रहा है, एंड रेडियस, एंड रेडियस क्या है, रेडियस ए सी है। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफोर सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड इफ सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफोर आपका क्या आ जाएगा, देयरफोर मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आएगा टैंजेंट थियरम। कौन सा थियरम भाई, तो टैंजेंट थियरम। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसे आप ऐसे टिक आउट कर दे। सेकेंड चलते, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, ये पॉइंट सी है, इसका डिस्टेंस लाइन ए बी से कितना रहेगा, आप ध्यान से सुनिए। इसको सेकेंड स्टेटमेंट को आप कैसे लिखेंगे,
सेकेंड स्टेटमेंट लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे, सेगमेंट सी ए, सेगमेंट सी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, बराबर, ये आपको पता ही है। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, देयरफोर। अच्छा, ये मैंने क्या बोला, अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो सी ए रहेगा, व्हाट इज दिस सी ए, दिस सी ए इज नथिंग बट द रेडियस, बराबर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस। देयरफोर आप क्या लिखेंगे, देयरफोर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, डिस्टेंस किसका पूछा है, सी का ही पूछा ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू द, किसके इक्वल रहेगा, तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, तो 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला, देखो डिस्टेंस ए बी अगर 6 है, डिस्टेंस ए बी मतलब ये वाला वैल्यू अगर आपको 6 दिया हुआ है, और बी सी का वैल्यू आपको क्या करना है, तो भाई फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला कि दिस इज़ योर सर्कल, यहाँ पर ये ऐसा पैटर्न है जिसका नाम दिया है ए बी, यहाँ से सेंटर है और ये यहाँ पर जॉइंटेड है। ए बी का वैल्यू को 6 दिया है, रेडियस तो 6 है ही, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सेंटर में दिया है सी, तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी ए बी मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री जब आप यहाँ पर लिखेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम वन, या फिर आप लिख सकते हैं टेंजेंट थ्योरम, लेकिन आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन, क्योंकि फ्रॉम वन में हमने प्रूव किया है। देखो यहाँ पर फ्रॉम वन में हमने प्रूव किया है, तो यहाँ पर फिर आप क्या लिख देंगे, देयरफोर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ए सी स्क्वायर की जगह, पी टी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, ए सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6 का स्क्वायर, और ए बी की जगह भी लिखूंगा 6 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 6 को दो बार मल्टीप्लाई करो, तो 6 कितना हो जाएगा, 36, फिर प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 36। द वैल्यू इज इक्वल टू 72, तो ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब बी सी अगर 72 हो गया, फिर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग, यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये जो मेरा बी सी का वैल्यू रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 72। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, बी सी इज इक्वल टू 72 को मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 36 2, या फिर आप इसे और कैरी फॉरवर्ड कर कटिंग करके ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 6 × 6 × 2। अब ये स्क्वायर है, तो कितने का जोड़ी बनेगा, ये 2 का जोड़ी बनेगा, और ये दोनों लोग किधर जाएंगे भाई, तो बाहर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो बी सी का स्टेटमेंट रहेगा, बी सी इज इक्वल टू ये 6 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में कौन बचेगा, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी सी का वैल्यू कितना हो गया, 6√2 cm। तो यहाँ पर बी सी का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 6√2 cm। लास्ट में क्या पूछा, देखो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई। चलो इसे भी कर लेते हैं हम, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। तो थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट पे आ गए हम। यहाँ पर हमको पूछा है, ये सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंटर है, यहाँ से एक लाइन है, ये ऐसे दिया है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये 6 है, ये 6 है, बराबर। और यहाँ पर आपको पूछा है ये एंगल 90 डिग्री, आपको पूछा है एंगल सी बी ए, आपको पूछा है एंगल ए बी सी, ए बी सी या फिर सी बी आपका वन एंड द सेम, मतलब आपको इन्होंने कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो जब आप सॉल्यूशन लिखने जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी सी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देयरफोर मेजर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लिख दिया, तो अगर मैं ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफोर मेजर एंगल सी ए बी प्लस मेजर एंगल ए सी बी प्लस मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब बोलो सी ए बी का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 90 दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 90 डिग्री प्लस इसकी जगह x प्लस इसकी जगह x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फर्दर जब हम सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 90, फिर ये हो जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। द वैल्यू इज गोइंग टू बी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। फर्दर आप सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब x का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब अगर मैं 90 को डिवाइड बाय 2 करूंगा मतलब 90 का हाफ करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब एंगल का वैल्यू कितना मिल गया 45। देयरफॉर मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ये जो आपको रीजन पूछा था ना, दो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई आपको, एक तो आपको पूछा व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ABC, तो ये हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री। और ये जो y पूछा ना, y का मतलब ही है क्या कि ये जितना भी आपने पूरा सॉल्विंग किया है दिस इज़ योर y, कि क्यों आपका एंगल 45 डिग्री आया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 3.1 का समझ में आया रहेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा डायग्राम दिखता है तो याद रखना भाई टैंजेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? टैंजेंट थ्योरम। बट अगर ये डायग्राम चेंज हो गया और ये सर्कल है और ऐसे अगर दो लाइंस दिख रहे तो याद रखना टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। याद रखना सर्कल के जो क्वेश्चंस हैं ना, सर्कल के क्वेश्चंस आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तभी प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं जब आपको डायग्राम अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायग्राम से बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने एक बार डायग्राम समझ लिया कि अगर मैं ये थ्योरम लगा रहा हूँ इसके अंदर ये डायग्राम यूज़ हो रहा है और वही डायग्राम अगर आपको कहीं दिखेगा तो समझ जाना कि उसके अंदर वही थ्योरम लगेगा। तो ऑलवेज याद रखो सर्कल को सबसे ईजी टैकल करने का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप डायग्राम्स जितना हो सके उतना याद रखो। तो चलिए ये क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सर्कल है और यहाँ पर मेरे को ऐसे दो लाइंस दिख रहे हैं, दो लाइंस दिख रहे हैं, मतलब सिंपली मैं बता दूँ यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगेगा, तो लगेगा भाई टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम? टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला वो चेकआउट कर लो, इन द जॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टैंजेंट सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट एम एंड एन, एम और एन पे टच कर रहा है, इफ ओ आर, ओ आर इसका वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 10 दिया। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया नहीं है, रेडियस बनाना पड़ेगा। अब रेडियस में कहीं पर भी बना सकते हो बट मैं शाना मैं बनाऊंगा ऐसा, यहाँ पर भी मैं रेडियस बना सकता हूँ, मतलब ये ब्लू वाले का 5 है, इसका भी वैल्यू 5 है। फर्स्ट में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट, ईच टैंजेंट सेगमेंट मतलब आपको MR पूछा और NR पूछा। देख भाई MR का जो भी वैल्यू रहेगा वो NR के वैल्यू के इक्वल रहेगा बिकॉज ऑफ टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो आप MR फाइंड करिए, NR अपने आप मिल जाएगा। फिर आपको फाइंड करना है एंगल। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम क्या फाइंड करेंगे भाई, तो MR का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब MR का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बताते हैं मैं ये ट्रायंगल OMR में लगा दूंगा क्या भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के, स्टार्ट सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर टैंजेंट्स टू द सर्कल, आर टैंजेंट्स टू द सर्कल, ये सर्कल को क्या है भाई, तो टैंजेंट है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल OMR, OMR और एंगल ONR क्या लिखेंगे, एंगल OMR इज इक्वल टू एंगल ONR इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका सबसे सिंपल सा रीज़न आप क्या चिपका देंगे, टैंजेंट थ्योरम। क्या लिख देना है यहाँ पर आपको, टैंजेंट थ्योरम। अब ये टैंजेंट थ्योरम लिखते ही अब आपको क्या करना है भाई, तो MR फाइंड करना है। MR फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो OMR, ये ऊपर वाला ब्लैक वाला ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OMR, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल OMR मेजर एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस, पीटी का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, याद रखना हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है। तो ये जो OR रहेगा ये मेरा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस, ये मेरा 90 डिग्री है, इसके सामने मेरा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, OR। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर।
अब मुझे क्या करना है, सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। अच्छा, ओ आर का स्क्वायर, ओ आर का वैल्यू आपको दिया क्या, यस, इसका वैल्यू दिया 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। फिर ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का वैल्यू आपको दिया, यस, आपको दिया 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस एम आर का वैल्यू दिया क्या, नहीं दिया, तो ये हो जाएगा एम आर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस ये हो जाएगा आपका एम आर का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 75 इज इक्वल टू योर एम आर का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू, द वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है 75 इज इक्वल टू योर एम आर का स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे रूट, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, रूट। अब ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर एम आर। और 75 को मैं स्प्लिट कैसे करके लिख सकता हूँ वो ध्यान से सुनिए। 75 को आप स्प्लिट करेंगे तो पहले लिखेंगे 25 थ्रीजा, फिर वापस ये स्प्लिट होगा कैसे, 5 × 5 × 3 इज इक्वल टू योर एम आर। अब इसमें से दो 5 है ना, ये दो 5 है, ये एक बाहर आएगा। जब ये एक 5 बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 5 आएगा और ये हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा योर एम आर। मतलब एम आर का वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो भाई 5√3 मिल गया। अब अगर आपका एम आर का वैल्यू 5√3 है, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनो, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू हो जाएगा 5√3। और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये दोनों वैल्यूज आपके क्या है भाई, तो इक्वल है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व आउट किया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर ओ। अब जब मैं एंगल एम आर ओ की बात करूंगा या फिर एंगल एन आर ओ की बात करूंगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, ये डायग्राम को वापस एक बार ड्रॉ। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो मुझे क्या चाहिए, एंगल एम आर ओ, तो ये मेरा सर्कल था, ये मेरा लाइन है, और यहाँ से मैंने क्या बनाया था भाई, तो ये मेरा रेडियस था, और यहाँ से मेरा क्या था, ये एक पॉइंट था जो इसको टच कर रहा था, ये था आर, ये था सेंटर वाला वैल्यू था ओ, और ये था एम। यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये 10, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। मुझे ये एंगल फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या यूज़ कर दूंगा, 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम यूज़ कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल आर एम ओ, इन ट्रायंगल आर एम ओ मेजर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो आर एम ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जिसमें ओ एम का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5, और उसके साथ साथ आपको किसका वैल्यू दिया है, ओ आर का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 10 दिया है। अब ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ओ एम है, ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर दिया है, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर, और ओ एम जो वो किसके सामने है, आर के सामने है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफोर मेजर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन आएगा कन्वर्स ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम। आप ये 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम की वजह से, अभी ध्यान से सुनना, मैंने 30 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हाफ आ गया, जब भी 30 रहेगा कन्वर्स ऑफ 30-60-90 लगाएंगे तो उसके लिए हाफ चाहिए, अगर 60 एंगल है तो उसके लिए चाहिए √3/2, और अगर 45 है तो इसके लिए वैल्यू रहता है 1/√2, तभी कन्वर्स ऑफ 30-60-90 ट्रायंगल आप लगाएंगे, और ये वैल्यूज है तो उसके अगर हाफ दिख रहा है तो आप 30 चिपका दीजिए, √3/2 दिख रहा है तो 60 चिपका दीजिए, और 1/√2 दिख रहा है तो 45 चिपका दीजिए। इसका मतलब एंगल एम आर ओ कितना हो जाएगा आपका, तो 32 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर ये एम आर ओ 32 डिग्री है, तो सिमिलरली आपका मेजर एंगल एन आर ओ ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, ध्यान से सुनो, अब आपको पूछा है बड़ा एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, थर्ड स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखो थर्ड स्टेटमेंट, देयरफॉर मेजर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू मेजर एंगल एम आर ओ प्लस मेजर एंगल एन आर ओ, एम आर ओ प्लस एन आर ओ। इसका रीजन आप जो लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी,
एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब ये दोनों एंगल्स मुझे मिले, कितने मिले भाई, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, नहीं अगर ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, ये देख लो इधर एम आर ओ 30 एन आर ओ 30, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा भाई, तो 60 डिग्री हो जाएगा। देयर फोर मेजर एंगल एम आर एन का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई, तो 60 डिग्री। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें बेसिक से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।